अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से अपने अपने घरों में आबाद होंगे। तो मैं बना रही हूँ आज बैंगन दाल। तो बैंगन को बारीक बारीक मैंने काट लिया था, और पहले तो मेरा इरादा था भरथा बनाने का, लेकिन भरथा मैं नहीं बना रही क्योंकि वैसे भी मेरे बच्चे नहीं खाते। तो इसको मैं दाल में बनाऊंगी तो हो सकता है मेरे बच्चे भी खा ले। तो जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं और टमाटर डाल दिए हैं, साथ में घी मैंने ऐड किया है। और जो गैस की कंडीशन है वो आप सबके सामने है, तो मुझे तो लगता है हर घर में यही हाल होगा जैसा मेरा हाल है। बाकी में जब से सर्दियां स्टार्ट हुई हैं ना, बहुत मुश्किल हो गई है। तो दिन के टाइम पे किसी किसी टाइम पे तो गैस होती है, लेकिन अक्सर जो है वो नहीं होती। जो हमने भरवाए हुए हैं वो क्या होते हैं, चूल्हे क्या होते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं। शुक्र अल्लाह पाक का मैं ठीक हूँ, और उम्मीद है कि आप भी अपने अपने घरों में ठीक होंगे। तो हैप्पी हैप्पी रहा करें आप भी मेरी तरह, जैसे मैं हर टाइम हैप्पी हैप्पी रहती हूँ। दुख भी होता क्यों है दुख, जब उल्टी सीधी बातें मुझे सुनने को मिली ना इधर यूट्यूब पे, मुझे तो कोई नहीं देता लेकिन किसी और को, तो फिर मुझे दुख होता है। तो ये कुकिंग के चैनल की जितनी भी मेरी सिस्टरान है माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और माशाल्लाह बहुत ही। तो कहते हैं कि नहीं जी नहीं करना चाहिए, पर्दे में रह के करें। हम भी तो पर्दे में रह के कर रही हैं ना, ये तो नहीं कि हम पर्दे में रह के नहीं कर रहे, हो रहा है, हमारा काम भी हो रहा है, और जो कैम के सामने है उनका काम भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जहाँ तक भी हो सके औरत को पर्दे में रहना चाहिए, तो ये ना हो कि बाद में फिर आप देख भी रहे हैं कि बैठी पे क्या कुछ हो रहा है, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना कुछ हो गया हो रहा है। तो हम औरतें हैं, हमें खुद को पहचानना चाहिए कि हम औरत साथ हैं, हमें इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए तो जिससे हमारी इज़्ज़त नफ्स को नुकसान हो, हमारे ख़ानदान में इतनी बदनामी हो, हमारे भाई हमारे घर वाले से आगे मैं क्या बोलूँ आपको, बस अल्लाह सबको हिदायत दे। तो हमारे पाकिस्तान की हमारे पाकिस्तान के सदर की बेटी ज़ियाउल हक साहब की बेटी, उनका भी चैनल है, वो भी कुकिंग करती हैं, जैन ज़िया के नाम से है उनका चैनल, माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं हैरान हूँ कि उनके मेरे और मेरी काफ़ी सारी ऐसी बहनें हैं, उनके ग्रो क्यों नहीं कर रहे चैनल, हमारे चैनल पे चटपटी बातें नहीं है, हमारे चैनल पे ओपन कुछ नहीं है। हाँ हम जो काम करती हैं वो दिखाते हैं कि हाँ जी ये कुकिंग है, तो इसीलिए हम एक एक साल से ना रोल रहे हैं। तो हमें सपोर्ट करें आप सब बहन भाई, और जितने भी देखने वाले हैं सुनने वाले हैं मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बहन का साथ दें। अच्छी बात है साथ देना, तो कोई खुशी से नहीं आता यहाँ इस प्लेटफार्म पे, यकीन करें मैं तो खुशी से नहीं आई, मजबूरी लेके आई है। तो बस यही कि कभी तो चल निकलेगा, लेकिन मुझे आज भी बात याद है वो अज़र मालड़ा भाई जो है ना, उन्होंने तब मेरे 100 सब्सक्राइबर थे, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बहना आज तो 100 सब्सक्राइबर है, चाहे मिलियन पे आप चले जाओ लेकिन आप सामने नहीं आना। तो आज भी मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी, उस टाइम भी आज तो ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि जो मैं बैठी पे देख रही हूँ ना, शुक्र है कि हम सामने नहीं हैं, हम पसे पर्दा काम कर रहे हैं, अच्छा है। तो बाकी जो है सारी बहनें जो भी काम कर रही हैं या सामने हैं या कैम के पीछे, अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे,
और शरे शैतान शरे इंसान से महफूज रखे। वैसे औरत को इतना बदनाम ना करें जितना वाईटी पे ये लोग कर रहे हैं। औरत भी इंसान है, हो सकता है कि गलती हो गई हो या ना भी हुई हो, लेकिन फिर भी औरत को इतना बदनाम नहीं करें। ख़ास तौर पे औरत ही औरत के बारे में बोल रही है, तो मुझे रात अफसोस हुआ है इस बात पे कि औरत ही औरत के बारे में बुराई कर रही थी, तो नहीं करनी चाहिए। मजबूरी हो सकता है, कोई मजबूरी हो सकता है, कोई दुश्मन हो उनके, तो आप उनको तो देखें कितनी मजबूर है बेचारी, लेकिन कोई भी उनकी मजबूरी को, कोई भी उनके रोने को नहीं देख रहा, उनकी मजबूरी को, उनके छोटे बच्चों को नहीं देख रहा। लेकिन जो दिल रखता है, जिनमें इंसानियत है, वो ज़रूर इस बात को देखेंगे और सुनेंगे, महसूस करेंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा आबाद शाद फरमाए। तो वो बातों में जो है वो मेरा सालन भी बन गया है। इसके साथ जो है मैं जाती जाती आपसे सिर्फ़ एक बात कहूँगी कि किसी की इज़्ज़त को ना उछालें आप, प्लीज़ आप ध्यान रखें इस बात का। अल्लाह तो है पर्दे रखने वाला, और अल्लाह सबसे बड़ा मेहरबान है, वो सबकी सुनता है, देखता है। और अल्लाह हाफिज़।